नमस्कार, आप देख रहे अलर्ट भारत में राकेश। बिहार विधानसभा में आज सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। पूरा दिन हंगामा तो होता रहा, इसके साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों ने जमकर शराबबंदी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार की नीयत शराबबंदी को लेकर सही नहीं है और यही वजह है कि आज बिहार में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है और पुलिस लोग भी मारे जा रहे हैं। आपको ये बता दी चले कि विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर कार्य स्थगन की मांग भी की, हालांकि यह मांग खारिज कर दिया गया। शराबबंदी के जो खेल हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जिस तरह से अपने रसूखदार नेताओं और चहेते पदाधिकारियों से बिहार में धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है और इस सूबे बिहार में जब शराब कहीं से आएगा, जब पटना में 7 करोड़ का शराब पकड़ा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि शराब पर दम रोक लगा दी गई है। ये बॉर्डर से आ रहे हैं, चाहे यूपी से हो, झारखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, नेपाल से हो, कहीं से भी शराब आ रहा हो, तो आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपकी पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है, यही सवाल लेकर आज सदन में हम लोगों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। और शराब के नाम पर केवल लूट हो रहा है और इस प्रदेश में जो गरीब हैं, जो मजदूर टाइप के जो लोग हैं, उनसे जेल भरा जा रहा है। 2 लाख के करीब कैदी हैं, शराब पीने के नाम पर कैद हैं और जेल में बंद हैं। जो रसूखदार नेता जिनके द्वारा खेप पर खेप शराब मंगाया जाता है, उनको छूट है माननीय मुख्यमंत्री के बगल में खड़ा होकर फोटो खिंचाने का और पदाधिकारियों से ये रिवॉल्वरधारी जो ये सिपाही लेकर चलने का, उनको छूट है। इसलिए सरकार से वक्तव्य चाह रहे थे हम लोग कि माननीय मुख्यमंत्री सदन में उपस्थित हों और सदन के नेता हैं, इस हैसियत से उनको बयान देना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जानबूझकर सदन में नहीं आए। हम लोग चाहते थे कि सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो जवाब दें कि हम लोग की जब सरकार महागठबंधन की बनी थी तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और अन्य जो कांग्रेस के नेता थे, हमारे दूसरे दल के जो महागठबंधन के नेता थे, वो सब मिलकर हम लोग ने शराबबंदी के नाम पर शपथ भी लिया था और मानव श्रृंखला बनाया था पूरे प्रदेश में, जो देश और दुनिया में चर्चा का विषय रहा। उतना सफल मानव श्रृंखला कभी 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 नहीं हुआ था और इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। सदन में जिस प्रकार से सारे तरीके को तोड़कर माननीय अध्यक्ष जी ने कितना मौका दिया सभी सदस्यों को बोलने का, उसके बावजूद उनकी मनसा थी सदन नहीं चलने देने की। ये मनसा उनको दिख रही है कि वो लोकतंत्र के तरीकों पर विश्वास नहीं करते हैं। आज तेजस्वी यादव पहली बार सवाल किए और वो सवाल में भी वो गायब थे। तो जब नेता प्रतिपक्षी विषय की न गंभीरता को समझते हैं न सदन के महत्ता को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं दिखता है कि जो विपक्ष है उनका मकसद हंगामा करना है, उनका किसी समाधान या किसी भी विषय पर तार्किक बहस करना नहीं है। तेजस्वी यादव के सवाल को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम करने नहीं, ये मैंने यही तो कहा, दुर्भाग्य है कि इतने सालों में पहली बार तेजस्वी यादव का कोई सवाल आया और वो सवाल का भी उन्होंने न पूछने का समय था न वो हाउस में, तो ऐसे सवाल डालने का क्या मतलब जब आप खुद ही हाउस से गायब हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा कि विपक्ष सदन की महत्ता को नहीं समझता है। शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल है, कानून जितनी बनी है कुछ न कुछ अपवाद उसके होते हैं। संपूर्ण रूप से कोई कानून, एक भी कानून दुनिया के किसी कोना में अगर लागू हो गया हो तो ये एक आदर्श बात हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी कानून बना है, ये जो शराबबंदी का कानून है, पूर्ण रूप से बिहार में लागू है। आप एक बात बताइए, विपक्ष ये कह रहा है कि शराब बिक रहा है, अधिकारी का नेटवर्क है उसमें, उस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कार्रवाई जहां भी सरकार को पता कुछ भी चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि सरकार बड़ी ईमानदारी पूर्वक उस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन विपक्ष के पास अगर ऐसे किसी लोगों की सूची है तो विपक्ष को सरकार के साथ सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए उन सूचियों को मुहैया कराना चाहिए। और विपक्ष के साथी कह रहे थे कि कहां कहां मिल रहा है मुझे मालूम है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप भी तो नहीं कहीं इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? अगर आपको मालूम है तो आप छुपा क्यों रहे हैं, और छुपाने के लिए आपकी मंशा क्या है?
आपको मालूम है तो सरकार को बताइए, सरकार उस पर उचित कार्रवाई करे। देखिए, इनके पास कुछ नहीं है, इनको ये पता है कि कितना शराब बरामद किया गया, गवर्नमेंट कितना सख्त है इस मामले में। मैं, मेरा कल ही प्रश्न था शराबबंदी से जुड़ा हुआ, और एक तरफ प्रश्न था, सरकार का इतना सकारात्मक जवाब आया है, 1,43,00,000 लीटर शराब 2005 से जब से ये बंदी शुरू हुआ तब से अभी तक इस राज्य में प्रशासन ने बरामद किया, ठीक है, और मेरे पास अभी डाटा है ही, पूरा डाटा है, उसी से जुड़ा हुआ डाटा है, और आप कहेंगे तो हम इसको बता देंगे। सरकार ने 60 थाना प्रभारी को पद से हटा दिया और वो कभी थाना प्रभारी नहीं बन सकते। कितने लोग जेल गए हैं, ये चाहते क्या है? अगर सर वो कहते हैं कि शराब हर जगह मिल रहा है, जहां कूजिए वहां मिल रहा है, लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। ये विपक्ष के लोग हैं, ये अगर कोई चीज़ सरकार के संज्ञान में लाते हैं तो सरकार उस पर, सरकार के स्तर से एक्शन भी हो रहा है, कार्रवाई भी हो रही है, और जितना नीतीश जी सख्त है शराबबंदी के मामले में, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। काफी पदाधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं कि वो जो पदाधिकारी बर्खास्त हुए हैं, 60 थाना प्रभारी है जो आजीवन थाना प्रभारी नहीं बन सकते हैं, उनके खिलाफ ऐसा लिखा गया। मद निषेध के पदाधिकारी 8-8 लोग बर्खास्त हुए हैं। आखिर आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं? 1,43,00,000 लीटर शराब बरामद किया गया, केवल मुजफ्फरपुर जिले में 12,00,000 लीटर शराब की बरामद। इनके पास डाटा है कहाँ? देखिए, हम लोग सरकार के अंग अगर हैं तो हम लोग भी चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई गिरोह चलाता है, कोई ऐसा काम करता है, तो उस पर कार्रवाई हो। तो विपक्ष के माध्यम से जो विषय लाया जा रहा है, सरकार गंभीर है, काम हो रहा है, और कहीं संज्ञान में आता है तो सरकार कार्रवाई करेगी। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पिछले 5 सालों से जब बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, तब भी शराब के खेप आ रहे हैं? देखिए, विजय चौधरी जी ने बड़ी अच्छी ढंग से अपनी बातों को कहा है कि अपराध हत्या होना ये अपराध है पूरे विश्व में, लेकिन हत्या की घटनाएं घटती है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। शराब अगर बिक्री हो रहा है तो जेल जा रहे हैं, कितने लोग जेल गए हैं? लाखों लोग ना जेल में हैं, 3,42,000 लोग इस मामले में जेल गए हैं अभी तक। इतनी बड़ी कार्रवाई, कौन सा कानून है जिसके अंदर 3,42,000 लोगों को जेल भेजा गया है? आखिर चाहता क्या है लोग? इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है। सदन में मैंने कहा कि भाई, जिस प्रकार ये 1.5 घंटा तक सदन को डिस्टर्ब किए और अनावश्यक इतना जोर से हल्ला कर रहे थे कि कई मरीज है जो हार्ट के पेशेंट हैं माननीय विधायक, हमने उठाया आवाज़ कि भाई इन लोग को कार्रवाई होनी चाहिए। हार्ट के पेशेंट हैं कई विधायक, दिल्ली इलाज कराने जाते हैं, बम्बई जाते हैं, और सदन में इनके हल्ला से वो त्रस्त दिखे हैं। इसलिए ये काम अध्यक्ष जी की बात तो अध्यक्ष जी तो लगाए हैं तो सुन लिए हैं ना, लेकिन कई मरीज, कई विधायक हैं जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको काफ़ी कष्ट हुआ है। इस 1.5 घंटा इतना लंबा सदन में हल्ला होना, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और विपक्ष को इस चीज़ के लिए शर्म आनी चाहिए। तो बिहार में शराबबंदी का जो मुद्दा है वो सदन पर छाया रहा, और इसी वजह से आज सदन में जमकर हंगामा भी हुआ और पूरा दिन सत्र बाधित रहा। आपको ये पता चले कि बिहार में शराबबंदी लागू तो है, लेकिन जो खबरें आती है लगातार, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी आज इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से सदन में भुनाने की कोशिश की, क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू तो है लेकिन इसका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है, और परिणाम ये सामने आते हैं कि कई खबरों में हमने ये सुनते हैं कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है, शराब की तस्करी की जा रही है, और कई लोग शराब पीते पकड़े जाते हैं, शराब पार्टी करते नजर आते हैं, और विपक्षी पार्टियों ने इसी मुद्दे को आज सदन में पुरजोर तरीके से उठाया। बहरहाल, देखना यह अहम होगा कि आने वाला सत्र में क्या विपक्षी पार्टी इसी मुद्दे को लेकर हंगामा करते हैं या फिर कोई सार्थक बहस शराबबंदी पर हो पाती है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहिए अलर्ट भारत। नमस्कार।